कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। अब इस वायरस का नया वेरिएंट्स मिला है जिसे डेल्टा प्लस या AY1 का नाम दिया गया है। यह है कोरोना की डेल्टा वेरिएंट से बना है जिससे बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा था। इसी बीच महाराष्ट्र में राज्य द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स ने आशंका व्यक्त की कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो राज्य को 1 या 2 महीनों में महामारी की तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है। इसके चलते CM उद्धव ठाकरे ने वरिष्ठ डॉक्टरों और अधिकारियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दवाइयां और स्वास्थ्य उपकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश किया है। महामारी के संभावित तीसरी लहर की तैयारियां की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक में CM को बताया गया कि कोरोना वायरस डेल्टा प्लस वेरिएंट्स महाराष्ट्र में तीसरी लहर पैदा कर सकता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेताते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट्स के चलते दूसरी लहर के दौरान कोरोना मरीजों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा थी। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई तमाम खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए हमारी चैनल के साथ।